हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम करने लगे हैं रॉक पेंटिंग और थोड़ी बहुत गुफ्तगू। आज हम अपनी वीडियो बनाने का अंदाज़ थोड़ा चेंज करेंगे और करेंगे थोड़ी बहुत गुफ्तगू। यूजुअली मैं वॉइस ओवर नहीं करती, बट आज हम थोड़ी सी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो इसमें हमारे मोए मोए हुए हैं, जो फेलियर्स हुए हैं, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद पेंटिंग कर रही हूँ, तो इसके वजह से बहुत सारी गड़बड़ हुई, बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, लेकिन स्टिल मैंने वीडियो बनाई और मैंने अपलोड भी कर दी। सो ये है हमारा प्यारा प्यारा फेलियर नंबर 1। हमने पेंटिंग बनाई और वो मोई मोई हो गई, बिल्कुल ही बर्बाद, तो हमने फेंक दी उठा के। इसके बाद हमने स्टार्ट की दूसरी पेंटिंग बनाना, जो के थे फ्लावर्स। आई गेस मुझे शायद सबसे अच्छे ही फ्लावर्स बनाने आते हैं और सबसे इजी भी मुझे वही लगते हैं, क्योंकि मैं प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं हूँ, मगर मुझे हर चीज़ को रंगना पसंद है, बिकॉज पेंटिंग एक थेरेपी है और आई गेस जो पेंट करते होंगे उनको इस बात का बहुत अच्छे से अंदाज़ा होगा। सो यहाँ मैं अपनी धुन में मगन ये फोकस ही नहीं कर पा रही थी कि कैमरा कब आउट ऑफ फोकस है और कब इन फोकस है, कब इन फ्रेम है, कब आउट ऑफ फ्रेम है, कुछ ही नहीं समझ आ रहा था, क्योंकि आई गेस मल्टीटास्किंग मेरी गेम नहीं है। तो फ्लावर्स बनाने तो सबको आते होंगे, अगर नहीं आते तो आप मेरे चैनल पे और भी वीडियोस अपलोडेड हैं जो कि पॉट पेंटिंग से रिलेटेड है, तो उसमें थोड़े बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स हैं ईजी, तो आप उससे भी देख सकते हैं, वरना यूट्यूब पर अदर चैनल्स पर भी अवेलेबल होंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। सो ये था हमारा फेलियर नंबर 2। सो यहाँ पे हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हमने लाइम येलो कलर की जो फ्लावर्स बनाए हैं इनको कंप्लीट करके, अब इसके ऊपर हम इसके डार्कर शेड जो कि ऑकर कलर है उससे इसको वापस से जो है फ्लावर्स बनाएंगे, ठीक है, फिर वाइट से थोड़ा बहुत एडजस्ट करेंगे। अच्छा, अब इस चीज़ का ना फ़ायदा ये होता है कि जैसे अब मैंने बैकग्राउंड को बिल्कुल वाइट करा है, तो ये लाइम येलो कलर ना बिल्कुल भी ना एक नज़र नहीं आ रहा, ना इसका मज़ा आ रहा है। तो अगर आप एक डबल शेड वाली थ्योरी यूज़ करेंगे ना, लाइट येलो और डार्क येलो, या फिर कोई भी लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे, तो इससे बड़ा फ़ायदा होता है कि आपकी जो चीज़ बन रही होती है ना उसकी थोड़ी ना ब्यूटी इन्हेंस हो जाती है। समटाइम्स अगर आप कोई पेंटिंग बनाते हैं और आप उसकी आउटलाइन करेंगे, तो उससे भी बड़ा फ़ायदा होता है कि यार वो मतलब एक चीज़ एक होती है निखर के आ जाती है, तो वो निखर के आ जाती है और आप देख सकते हैं कि यार ये निखर के आ गया, ठीक है। इसके बाद हम इसके बड्स बनाएंगे, देन हम इसकी लीव बनाएंगे, जो कि आप मेरे वॉइस ओवर के बगैर इन्जॉय कीजिए, और हम फिर तीसरे फेलियर पर मिलते हैं। सो या ये हो चुका है डन। आप अपने रिव्यू शेयर कीजिएगा कि आपको कैसा लगा, और माशाल्लाह से ये था हमारा तीसरा फेलियर कि हमने फिर से कुछ अपने दिमाग से अलग से बनाने की कोशिश की आउट ऑफ फ्लावर जाके, ठीक है। आउट ऑफ फ्लावर मींस के फ्लावर जो मैं सबसे अच्छे बनाती हूँ उससे आउट जाके मैंने कुछ और सोच के बनाने की कोशिश की और वो नहीं अच्छा बना, हमने फिर उठा के फेंक दिया। इसके बाद हमने फिर कुछ अलग सी केमिस्ट्री लगा के ना कुछ बोहो थीम टाइप का बनाने की कोशिश की, बोहो वोहो कुछ नहीं बना, लेकिन हमने ट्राई वैसा ही किया था, बट उस पर मैं अलग से इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगी, वो भी रॉक पेंटिंग से रिलेटेड होगी। सो ये कुछ हमने अलग से कारिस्तानी करके डिज़ाइन बनाए, एंड देन इस पर अगेन हमने फ्लावर बनाए। सो ये होल वीडियो फ्लावर थीम पे बेस्ड है और फ्लावर थीम से रिलेटेड ही रॉक पेंटिंग बन गई। सो ये रॉक पेंटिंग से ज़्यादा फ्लावर थीम वीडियो टाइप बन गया, क्योंकि
क्योंकि माशाल्लाह से इसमें इतने ज़्यादा फेलियर्स हुए, लेकिन स्टिल फेलियर्स होते गए, मैं फिर भी नहीं रुकी। लेकिन एक चीज़ है, वो ये है कि अगर आप कोई भी चीज़ प्रैक्टिस ना करें बार बार, तो आपको वापस से ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, जो कि ये वीडियो सबूत है। मैं पेंटिंग बहुत टाइम बाद कर रही थी जिसकी वजह से ये हुआ। एंड रॉक का जो टेक्सचर था ना, वो थोड़ा सा ना अजीब टेक्सचर था। मैंने पहले भी रॉक पेंटिंग करी, लेकिन उनका टेक्सचर थोड़ा अलग था। दूसरा ये कि अब मुझे नए आर्ट सप्लाईज लेने की बहुत शदीद ज़रूरत है, जो कि मैंने ऑर्डर कर दिए हैं इस पेंटिंग वीडियो के बाद, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हुए। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हम अपना जुगाड़ कर रहे हैं, क्योंकि ब्रश जो है ना बहुत ज़्यादा रफ़ हो चुके थे। अब इन दी एंड इस पर हमने कुछ और बनाना था, और हम फिर एंड अप हुए फ्लावर्स बनाते हुए। सो दिस इज इट। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे थोड़े पेंट ब्रशेस, पेंट वगैरह सारी चीज़ें थोड़ी पुरानी हो चुकी हैं, तो इसकी वजह से मुझे ये मिनी फ्लावर्स बनाने में इतनी प्रॉब्लम हुई। और माशाल्लाह से ये इतना आउट ऑफ फोकस थे और नज़र ही नहीं आ रहे थे, क्योंकि मैंने डार्क, मैंने मतलब लाइक कलर थ्योरी कुछ अलग से ही चुन ली थी। फर्स्ट टाइम बहुत टाइम बाद अपना दिमाग लगाने की कोशिश की थी, बट मैं ये भूल गई थी कि यहाँ अभी नहीं लगाना था, अभी रीस्टार्ट है। तो थोड़ा सा कुछ रिसर्च करके देख के बना लेते, लेकिन फिर भी स्टिल हम एंड तक गए, हमने हिम्मत नहीं हारी। और अभी मैं वीडियो एडिट करके अपलोड करूँगी और ऐसे ही करूँगी। दैट्स व्हाई आई एम डूइंग वॉइस ओवर, क्योंकि पहले इंसान की ज़िंदगी में कितने भी हो, इंसान को हार नहीं माननी चाहिए, एंड तक हर चीज़ को पहुँचा के आना, बाकी रिजल्ट अल्लाह के हाथ में। सो यहाँ पर मोटिवेशनल स्पीकर बनने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रही, बल्कि थोड़ा सा अपने चैनल का जो आउटलुक है वो चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ, कि थोड़ा सा हम अपना टच डालें, ताकि पता तो लगे भाई उनकी वेंचर है कौन। तो इसलिए अब ये भी डन हो चुकी है। अब देन हम एक और बनाएंगे। इस पे तो मैंने यही सोचा था कि मैंने ये फ्लावर ही बनाना है, बिकॉज़ आई डोंट नो कि मुझे ये फ़्लावर क्यों बनाना ईजी लगता है। ये वाला तो मैंने हर जगह बनाया, मैंने हर मतलब लाइक ये सेम ही फ्लावर थे जो मैंने बनाए हैं अभी तक। तो आपको अगर पॉट पेंटिंग से रिलेटेड वीडियो मिलेगी ना, तो वो भी कुछ ऐसा ही बना हुआ होगा। फ्लावर भी मुझे बेसिक दो तीन आते हैं, क्योंकि अगेन मैं प्रोफेशनल तो नहीं हूँ, बट रंगना मुझे पसंद है, बिकॉज़ ये एक थेरेपी है, मेरे लिए थेरेपी है। और पेपर्स के बाद ये सब करना वही लोग समझ सकते हैं जो पढ़ते हैं या जिनको एग्ज़ाम प्रेशर बहुत बुरे तरीके से आता है। तो लेट्स एंजॉय, आप एंजॉय कीजिए। अब हम मिलते हैं इस वीडियो के इख्तिताम पे। सो या ये भी डन हो चुका है, हमारे तीनों रॉक हो चुके हैं रेडी और हम भी हो चुके हैं रेडी। सो लेट्स रॉक टुगेदर। सो ये है बेसिकली हमारी पेंटिंग का ओवरलुक। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अपने थॉट्स को ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। और जो भी आपके क्रिएटिव आइडियाज़ हों उनको भी शेयर कीजिएगा, हम उन पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, और बताइएगा ये अंदाज़ कैसा लगा। सो बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।